हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्यूमा फास्टर नाइट्रो एलीट का। ये प्यूमा की तरफ से एक फास्ट टॉप टियर रेसिंग शू है जो प्यूमा ने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है मैराथन हाफ मैराथन डिस्टेंसेस के लिए। इसका डिजाइन रेडिकल है। ये शायद वन एंड ओनली रेसिंग शू है जिसका फोर फुट और हील डीकपल्ड है और दोनों अलग अलग फोम से बने हैं। ये शू थोड़ा पुराना शू है पर ग्लोबल लॉन्च के काफी टाइम बाद ये इंडिया में आया। दूसरे देशों में भी स्टॉक शॉर्टेज का इशू हो रहा था कोविड और सप्लाई चेन के कारण। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। प्यूमा फास्टार्ट नाइट्रो एलीट की स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पर, 27 मिलीमीटर फोर फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 218 ग्राम और इंडिया में आता है 22,999 रुपए का। प्यूमा फास्टर नाइट्रो एलीट का मिडसोल दो भागों में स्प्लिट है। फॉर्मर ईवीए हील पे है और प्यूमा का प्रीमियर रेसिंग फोम सुपर क्रिटिकल बायो बेस्ड पीबैक्स मिडसोल जिसका नाम है नाइट्रो एलीट फोर फुट पे। इनको लिंक करता है फुल लेंथ पावर प्लेट। आउटसोल में इनका ट्राइड एंड टेस्टेड प्यूमा ग्रिप का फुल कवरेज है। अपर एक थिन मोनोमेश का बना है जो अल्ट्रा ब्रीदेबल है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है इसका अग्रेसिव ज्योमेट्री। मेजॉरिटी रेसिंग शूज अपने फोम्स के एनर्जी रिटर्न और कार्बन प्लेट के कॉम्बिनेशन से प्रोपल्शन जनरेट करते हैं, पर इसका सबसे डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है इसका यूनिक ज्योमेट्री। जितना ये दिखने में डिफरेंट लगता है, स्टेप इन भी उतना ही यूनिक है और ये ज्योमेट्री एक्चुअल परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होता है। दूसरा लाइक है स्पीड। ये शू डिजाइंड है टॉप एंड स्पीड के लिए। सुपर क्रिटिकल नाइट्रो एलीट फोम प्यूमा के दूसरे शूज पे बहुत ही सॉफ्ट सेंसेशन देता है, पर इसका अंडरफुट फील इस शू में सरप्राइजिंगली फर्मर है। हमने इसे अदानी अहमदाबाद हाफ मैराथन में ट्राई किया और नीडलेस टू से ये चाहता है कि आप अपने बेस्ट पेस पर भागो, जो हम जैसे एवरेज रनर्स के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी 21 किलोमीटर डिस्टेंस पर। इसका बेस्ट केस यूसेज 5K 10K के लिए रहेगा। तीसरा लाइक है ग्रिप। जिसने भी मैराथॉन्स, हाफ मैराथॉन्स या 10K रेसेस किए हैं, वो जानते हैं कि 8 स्टेशंस क्रॉस करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपके शू का ट्रैक्शन सही न हो तो। अगर आपने हमारा कोई भी प्यूमा शू का रिव्यू देखा है तो उसमें एक लाइक हमेशा कॉमन रहा है, वो है प्यूमा ग्रिप, ये कभी फेल नहीं होता। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और पहला डिसलाइक है स्टेबिलिटी। रेसिंग शूज जनरली स्टेबल नहीं होते सॉफ्टर फोम्स के कारण, और ये भी अनस्टेबल है अगर आप हील स्ट्राइकर हो तो। फोर फुट या मिड फुट स्ट्राइकिंग करते वक्त आप इसके नाइट्रो एलीट पैड पे डायरेक्ट लैंड करोगे, जो थोड़ा बहुत फर्म और वाइट होने के कारण अनस्टेबल नहीं लगता। पर अगर आप हील पे लैंड किए, जो फोर फुट स्ट्राइकर्स भी रेस के एंड में करने लगते हैं फैटिक के कारण, तो इसका नैरो हील वॉबली लगता है, और अगर रोड सरफेस फ्लैट नहीं हुआ तो एंकल ट्विस्ट के भी चांसेस हैं। दूसरा डिसलाइक है कम्फर्ट। ये एक डिसलाइक हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि रेसिंग शूज में जनरली लोग कम्फर्ट नहीं ढूंढते। इस शू का कोई भी कंपोनेंट कंफर्ट के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। अपर में पैडिंग नॉन एग्जिस्टेंट है और मिडसोल फर्मर साइड पे। हमने इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया पर बताना जरूरी समझा। तीसरा डिसलाइक है इसका लॉकडाउन। दो फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एक इसके अपर में पैडिंग ना होना और दूसरा इसके माइल्डली स्ट्रेची लेसेस। रेस के दौरान मल्टीपल टाइम्स हमें लगा कि लेसेस टाइट बांधने पर भी 1 से 2 किलोमीटर के बाद ही फुट होल्ड लूज होने लगा और हमें फिर से रिलेस करना पड़ा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स, अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। इसका अपर मिनिमल है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, ब्रीदेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, पर कुछ मैराथन रेसिंग शूज जैसे एंडोर्फिन प्रो 3 की तरह स्ट्रक्चर और पैडिंग नहीं है जिससे कम्फर्ट हिट होता है। इसे हम देंगे 3 out of 5। इसका मिडसोल डिजाइन इसे प्रपल से बनाता है और लाइक सेक्शन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस शू में तो वो होगा नाइट्रो एलीट फोम का रीबाउंड, जो अभी भी जूम एक्स, पावर एंड पीबी या फ्लाइट फोम टर्बो से हमें कम लगा। अगर उन फोम्स की तरह ये बाउंस देने लगा तो हम इसे श्योरली 9 देते, पर फिलहाल हम इसे देंगे 8 out of 10। प्यूमा ने आउटसोल में 2 चीजें सही की है। एक, इसका रबर कवरेज फुल रखा है, और दूसरा, इसका लेयर बहुत थिन है वेट कम रखने के लिए। ग्रिप एक्सेप्शनल है हमेशा की तरह, और रेस के दौरान ये श्योर फुटेड लगा गीले रोड्स पे भी। इसे हम देंगे 4.25 out of 5। तो टोटल स्कोर आता है 15.25 out of 20, जो सुपर शू वर्दी है। प्यूमा का पूरा रनिंग रेंज हमें बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि वो उन रेयर ब्रांड्स में से है जो हर टाइप के रन के लिए एक अच्छा रनिंग शू ऑफर करता है। सिर्फ रेसिंग कैटेगरी में ही हमें इनका ऑफरिंग डेविएट नाइट्रो 1 और 2 टॉप ऑफ द लाइन नहीं लगे, पर अब फास्ट आर नाइट्रो एलीट के इंट्रोडक्शन के बाद एक टॉप 5K, 10K इवन हाफ मैराथन रेसिंग शू है अगर आपका टाइम 130 से 150 के रेंज में रहा तो। अगर आप द रनिंग इवेंट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका वर्जन 2 आ चुका है, तो अगर आप चाहे तो उसका वेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू प्यूमा फास्ट आर नाइट्रो एलीट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।